मैनेजमेंट स्टाफ और मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। जो भी 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इसको उम्मीद भवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस भव्य इमारत को बनाने वाले हमारे महाराज साहब थे, उनका नाम था उम्मीद सिंह जी। अच्छा, उम्मीद सिंह जी का शासनकाल रहा था मारवाड़ में 1918 to 1947, और वो बहुत बड़ी डेजिग्नेशन होल्ड करते थे एज वाइस एयर चीफ मार्शल इन ब्रिटिश एयरफोर्स। अच्छा, तो उनका सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट जो था वो था जोधपुर इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल फ्लाइंग क्लब था। यहाँ से यूके और फ्रांस तक फ्लाइटें जाती थी। अनफॉर्चुनेटली नॉट टुडे। दूसरा, उन्हें हम आधुनिक मारवाड़ जोधपुर का निर्माता मानते हैं उनके पब्लिक वेलफेयर वर्क्स के लिए। उन्होंने जितने जो काम करवाए विकास के, शायद आज़ादी के 75 साल बाद कोई भी सरकारें नहीं करवा पाई। कुछ काम मैं उनके आपको बताता हूँ। दो हॉस्पिटल मेल और फीमेल के लिए, उस समय शायद हमारे मारवाड़ की आबादी 1 लाख भी नहीं थी, लेकिन उन हॉस्पिटल्स के अंदर प्रत्येक हॉस्पिटल में 1500 पलंग की व्यवस्था थी। वाटर डैम, रेलवे, रोडवे, टेलीकॉम, सिनेमा हॉल, यूनिवर्सिटी, प्लेग्राउंड, गार्डन, जू, दूरसंचार, न जाने कितने काम उन्होंने करवाए। लेकिन उन्हीं के शासनकाल में समय करवट लेता है और हमारे मारवाड़ के अंदर एक भयंकर ड्राउट की स्थिति बन जाती है। ऐसे में लोग यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी की तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। तब वो अपनी प्रजा को रोकते हैं, मैं आपका राजा हूँ, आप मुझे छोड़कर, अपनी रियासत को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैंने डेवलपमेंट के इतने सारे काम करवा दिए, अब मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है। जो भी मेरे पास हैं उस पर आपका पूरा अधिकार है, आप फ्री में ले जा सकते हैं। प्रजा को इस बात से थोड़ी परेशानी हुई कि फ्री में एक चीज़ मिलना आदमी को आलसी बना देता है, दूसरी चीज़ रियासत पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो उन्होंने अपने महाराजा को साफ बोल दिया कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, तो उनके पास बचा क्या करवाने के लिए। तो उनके जो प्रबुद्ध जन थे उन्होंने कहा कि आप एक बड़ा भवन बना लीजिए। देन ही वेंट टू इंग्लैंड इन टू अ कंपनी कॉल मैपल लिमिटेड, और वहाँ की आर्किटेक्ट थी हेनरी वॉगन लॉन्केस्टर, उनसे इसका नक्शा बनवाया। वापस आए 18 नवंबर 1929 को अपने हाथों से इसकी नींव रखी। लगातार 14 साल तक इसका काम चला। 1944 को ये बन के कम्प्लीट हुआ और इस पर प्रतिदिन 3000 लोग काम करते थे परमानेंट, और अस्थायी तौर पे पता नहीं कितने और होंगे। उन लोगों को खाना, अनाज, कपड़ा और पैसा मिलता था। कहने का मतलब, हमारे महाराजा उम्मीद सिंह जी ने ये अपनी लग्जरी के लिए नहीं बनवाया, बल्कि अकाल में अपनी प्रजा को राहत देने के लिए, रोजगार देने के लिए बनवाया। जब ये उम्मीद भवन पैलेस बनके तैयार हो गया तो उसमें टोटल रूम संख्या है वो है 347। 70% इसका हिस्सा होटल में कन्वर्ट है जो ताज ग्रुप द्वारा मैनेज है। 20% में आज भी हमारा शाही परिवार यहाँ रहता है, और परिवार में जो अभी रह रहे हैं वो महाराजा गज सिंह जी साहिब हैं, जिनको हम आदर, सम्मान, प्यार, रेस्पेक्ट से बाप जी बोलते हैं, यानी कि बाप या भगवान। उनके परिवार में 7 सदस्य हैं, उनके सहित हिजाइनस महाराज धीराज गज सिंह जी साहिब, महारानी साहिबा हिमलता राजीव, युवराज शिवराज सिंह जी, युवरानी गायत्री राजी, भाई जी लालसा शिवरंजनी, भंवरसा सिराज देव और भंवर भाई जी लालसा वारा थे। भंवरसा यानी कि ग्रैंड सन, भंवर भाई जी लाल यानी ग्रैंड डॉटर, वो सारे लोग इस ब्लॉक में। ये मध्य गुंबद जो है ये होटल का सेंटर डोम है। इसकी फ्लोर से हाइट 100 फीट से ज़्यादा है, और होटल में ठहरने वाले लोगों के लिए जो स्विमिंग पूल है वो इसके बेसमेंट में।
ये हमारे वर्तमान बाप जी को महाराज अधिराज गज सिंह जी साहिब द्वितीय मारवाड़ जोधपुर, ये फर्म का नाम जिसने मैं बना। ये महाराजा उमेश सिंह जी साहब जो वर्तमान महाराजा उनके दादाजी, इन्होंने अपनी प्रजा को राहत देने के लिए इस पैलेस का निर्माण किया। हार्ट ऑफ ऑनर टू महाराजा उमेश सिंह जी एंड वॉइस रॉय। महाराजा उमेश सिंह जी, मिसेस गांधी, पंडित नेहरू जी, ये फोटोग्राफ 1944 का। ये महाराजा उमेश सिंह जी, इनकी धर्मपत्नी बदन कंवर जी जो कि वर्तमान महाराजा के दादाजी और दादी जी, इस जोड़ी के चार पुत्र और एक पुत्री। ये महाराजा उमेश सिंह जी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में। ये हमारे महाराजा उमेश सिंह जी द्वारा पब्लिक वेलफेयर में करवाए गए काम, इसमें ये देखें आप, जनाना हॉस्पिटल, मर्दाना हॉस्पिटल, पानी का बांध और गांव के अंदर चिकित्सा शिविर। महाराजा उमेश सिंह जी स्वयं 18 नवंबर 1929 को भव्य उम्मीदवन पैलेस की नींव रखते हुए, और ये पूरा मॉडल है लकड़ी का बना हुआ पैलेस का। यहाँ आइए आप लोग, ये इनका निजी सिनेमा हॉल, ये पोर्च टू एंटर इन द होटल पाम कोर्ट सेंटर डोम। आप लोग अभी इस जगह में हैं, यहाँ कुछ हिस्सा है वो म्यूजियम का है, ये रॉयल रेजिडेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होटल है। पैलेस अंडर कंस्ट्रक्शन था उस समय के हैं, मशीन ज़्यादा नहीं थी, मेनली ह्यूमन पावर एंड एनिमल पावर। हमेशा लोडिंग के लिए डोंकीज को काम में लेते थे और कैलकुलेशन नोट करते थे आज कितने डोंकीज काम में लिए गए। ये इस भव्य इमारत के पीछे का हिस्सा है जहाँ मार्बल की बनी हुई बारादरी है, बहुत बड़ा लॉन है। ये टोटल एरिया इसका जो है पैलेस का है वो 25-26 एकड़, और आज की तारीख में आपका ये उम्मीदवन पैलेस दुनिया भर के डेस्टिनेशन सेलिब्रिटीज के लिए हॉट डेस्टिनेशन है। वो लोग यहाँ आकर अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और शादी भी करते हैं। प्री कोविड जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ वो निक जॉनस और प्रियंका चोपड़ा की शादी यहाँ हुई। ये सेंटर डोम, ये पैलेस का बाहर से व्यू, ये फर्स्ट फ्लोर का लाउंज, म्यूजिकल फाउंटेन, बाथरूम्स, सेंटेड रूम का स्केच, रूम नंबर 4 का इंटीरियर स्केच, रूम नंबर 22 और 23। ये फैमिली फोटोग्राफ है मिस्टर स्टीफन नॉर्बिलियन जो कि पोलैंड के थे और पेशे से चित्रकार थे। महाराजा उमेश सिंह जी ने इनको अपॉइंट किया इस पैलेस में कुछ चित्र बनाने के लिए। एक चित्र वो आप ऊपर देखिए, राइट हैंड साइड की तरफ जो सेना है वो जोधपुर की राठौड़ों की सेना है, लेफ्ट हैंड साइड में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना है, और ये वॉर है इनके बीच अर्ली 18th century का। ये वाली पेंटिंग भी इन्होंने बनाई जो अभी महाराजा हैं इनके पिताजी की वेडिंग का प्रोसेशन है।
शादी के तुरंत बाद की फोटो, जब बाबजी ने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण किए, किसी चित्रकार ने हाथ से बनाया हुआ पोर्ट्रेट। ये शादी से पहले का फोटो, ये देखिए हमारे मारवाड़ का ध्वज और स्टेट एम्ब्लम, इसमें ये महाराजा अमीर सिंह जी की ब्रिटिशकालीन सूट, ये उनके ब्रिटिश एयरफोर्स के बैचेस, और ये वो टूल्स है जो इस पैलेस के फाउंडेशन वाले दिन काम में लिए गए थे। और ये अर्ली लॉक इस पैलेस का जब बन के तैयार हो गया, गृह प्रवेश हुआ, तो महाराजा अमीर सिंह जी के सबसे छोटे राजकुमार यानी वर्तमान महाराजा के अंकल जिनका नाम दिलीप सिंह जी था, राजकुमार साहब, उनसे ये ताला खुलवा कर गृह प्रवेश किया गया।